आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पनीर दो प्याज अपने स्टाइल से। आइए देखते हैं कैसे बनाना है। शिमला मिर्च, तीन चार शिमला मिर्च आप चॉप कर लेना, तीन चार प्याज चॉप करके रख लेना, और 10 लहसुन की कलियां, तीन हरी मिर्च, और जो ये रही हमारी पनीर की क्यूब्स कटी हुई पनीर जिसमें हम फ्राई करेंगे, देसी घी, हमारा मसाला पनीर मसाला है बस 1 टीस्पून, और नमक आप टेस्ट के अनुसार दे देना, ये रहा रेड चिली, ग्रीन चिली, टोमेटो सॉस और सोया सॉस, बस इतना ही पड़ने वाला है। चलो मैं बनाती हूँ, आप देखो और फिर आप बना। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच देसी घी, 250 ग्राम पनीर के क्यूब्स में कट करके रखी हुई हूँ, अब मैं इसमें डालूंगी पनीर के क्यूब्स। इसे हमें तब तक चलाना है जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए, हल्का ब्राउन भूजते हैं इसको। आप भी टेस्ट करना, बहुत इजी है बनाने में, मजा आ जाएगा खा करके। मैं खुद ही अपने मन से इसको ट्राई की, इसका ब्राउन भून चुका है, अब हम इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। हमारा गर्म है, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, अब मैं चौक में डालूंगी तेज पत्ता, थोड़ी सी, थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च, लहसुन, अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, प्याज हमारा जल्दी से पक जाए तो मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। अभी थोड़ा कम ही दे रही हूँ क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। इसे कुछ देर के लिए ढक करके पका लेंगे, अब इसे हम चला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, दो मिनट के लिए इसे भी हम ढक देते हैं, तब तक मैं अपना आटा गूंद लेती हूँ चपाती बनाने के लिए। जब तक मेरा उधर सब्जी बनेगा तब तक मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके रख दूंगी, इससे सॉफ्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा मैं इसमें घी लगा देती हूँ, इससे इसमें दरारें नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाएगा। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पनीर के क्यूब्स, आप देख सकते हैं मसाला हमारा भुन चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच रेड चिली, इसके बाद फिर इसमें 1 चम्मच ग्रीन चिली डालना है, और अब मैं डालूंगी 1 चम्मच टोमेटो सॉस, फिर अभी इसे मिक्स कर लेंगे, और लगभग 1/2 टीस्पून आप इसमें सोया सॉस डाल देना, सोया सॉस ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इससे फिर टेस्ट खराब हो सकता है। अब हम इसे मिला लेंगे, ये देखिए इतना सुंदर कलर हो गया है ना, सोया सॉस ऐसे कलर भी ला देता है और हल्का नमक भी आ जाता है इसमें, इसलिए नमक स्टार्टिंग में बहुत कम देना है, इसलिए इसे हम ढक देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है चिली पनीर दो प्याजा, मेरा रेडी है, अब चलिए चपाती बनाने। आप कहीं जाइएगा नहीं, आगे मेरा डांस वीडियो है, प्लीज़ एंजॉय कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों के सहयोग की मुझे बहुत ज़रूरत है। लंच मेरा रेडी है, अब मैं जाती हूँ लंच करने, आप लोग भी लंच करिए, बाय बाय।